जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र वगैरह। सम्राट अशोक, जिनको कि महान अशोक भी कहा जाता है, क्या उनका विश्लेषण नहीं होना चाहिए? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम यदि सिकंदर की बात करें, सिकंदर महान या अकबर महान, तो बहुत से लोग इस पे ऐतराज करने लग जाते हैं, उंगली उठाने लग जाते हैं, उनका विश्लेषण करने लग जाते हैं। तो क्या अशोक का विश्लेषण नहीं होना चाहिए? सभी का विश्लेषण होना चाहिए कि अशोक आखिर कलिंग में उन्होंने लगभग 2-2.5 लाख की हत्या करवा दी थी, आजीविकों की हत्या करवा दी थी, लगभग 500 लोगों के उन्होंने फांसी पे चढ़ाया था। और अशोक इतना बौना और इतना छोटा कद के था कि उसमें उनके शरीर पे जो बदबू आती थी, और जब कोई उससे इनसे विरोध करता था या थोड़ा सा मुंह उसको देख के उचका दिया तो उनको कोड़े मारता था। एक पक्ष तो ये भी है, यानी उस सदी का या उस कालखंड का सबसे क्रूरतम राजाओं में शामिल थे अशोक। क्या अशोक का विश्लेषण नहीं होना चाहिए? इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते, यानी STV, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, या आप सभी से विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं सम्राट अशोक की। आप जानते हैं कि मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंदों को हरा कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और यवनों को हरा दिया था, उसके बाद अशोक उनके पिता के बाद फिर अशोक वे तीसरे नंबर पर। अशोक इतने क्रूरतम थे कि इतिहास की बहुत किताबों में लिखा गया है कि कोई लिखता है कि 7 भाइयों को मार कर वे सत्ता में पहुंचे थे, जबकि तिब्बती एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है तारा नाथ, इनका संस्कृत नाम है, उन्होंने तो 100 भाइयों को कहा कि 100 भाइयों की हत्या करके अशोक राजा बने थे। दरअसल अभी हाल में मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुधीर बिष्ट, उनकी वॉल पे अचानक मैंने यही चीज़ें पढ़ी। अरे, उन्होंने AI से गजब अशोक का जो चित्र है वो आप देख भी रहे हैं, उसको उन्होंने बनवाया था। फिर मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा इसमें तो बात होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा था, कि वाकई अशोक का विश्लेषण क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशोक का और ख़ासतौर बौद्धों का इतना भौकाल मचा दिया है कि जैसे लगता है कि बस बुद्धि बुद्ध से इस भारत में और कोई था ही नहीं। और ख़ासतौर पर नवबौद्धों ने ऐसा भौकाल मचा दिया इस भारत में कि बुद्ध से पहले जैसे कुछ था ही नहीं। यदि उनकी आप थ्योरी पे जाएं तो ये लगता है कि जैसे ब्रह्मांड की रचना भी भगवान बुद्ध के समय से हुई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी अशोक की। अशोक की, जैसे मैंने पहले कहा, उनके 7 भाइयों को उन्होंने हत्या की थी, तारा नाथ तो कहते हैं 100 भाई जो भी था, उन्हें कुछ भाई की हत्या की थी तब यहाँ तक पहुँचे थे अपने जीवन काल में, जब तक वो राजा, उन्हें 500 लोगों को फांसी दी थी। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद मुझे लगता है कि इतने लोग तो यहाँ भी नहीं मारे गए होंगे, यहाँ के क्रूरतम देश में भी इतने लोग मारे गए। इसके अलावा अशोक का जो चित्रण आता है वो है कि बहुत नाटेकत के थे, बौना था, कुरूप थे, और उनके शरीर से बदबू आती थी, और यदि कोई रानी या उनका जो कर्मचारी या मित्र या जो भी उसको देख के थोड़ा नाक भी उचका लेगा भाई बदबू से, तो उनको कोड़े मरवाता था। ये कोई मानवीय गुण थे। अब बात आती है कलिंग पर उन्होंने कब आक्रमण किया। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध बनने के 2 साल बाद उन्होंने आक्रमण किया था, यानी वो बौद्ध बन चुके थे और उसके बाद उन्होंने आक्रमण किया था। और इतिहास में ये जानबूझ के ऐसा कर दिया गया कि उनको बौद्ध बन गए उसके बाद, क्योंकि अभी 150-200 साल पहले तो अशोक नाम का कोई राजा ही नहीं मिलता था, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी ऐसे करके नाम मिला था, और जबकि खोज हुई तब पता चले कि अशोक और प्रियदर्शी एक है। तो इस इतिहास में भी जरूरत है खोज करने की। ये कहा जाता है कि उनकी एक पत्नी बौद्ध थी और उन्हीं के कहने पर अशोक बौद्ध बने थे, और ये तो तय है कि यदि माना वो बौद्ध बाद में भी बने, लेकिन जब उन्होंने युद्ध किया कलिंग के साथ तो उनकी एक पत्नी बौद्ध थी, और ये अपनी पत्नी के प्रभाव में आके आदि बौद्ध तो बन ही चुके थे। यानी अशोक पूरी तरह बौद्ध नहीं बने हों, लेकिन बौद्ध धर्म के वो प्रभाव में आ चुके थे, और इसके बाद भी उन्होंने 2-2.5 लाख लोगों की, या जो भी फिगर है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जितने भी इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं, उतने की हत्या तो की थी। तो ऐसे अशोक जो राजा थे
क्या इनका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, इनका विश्लेषण करने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये पूरा इतिहास है कि उन्होंने पूरा जो भी लोग थे सैनिक वो युद्ध करने से उनको लगता कि हम पाप के भागीदार हो जाएंगे, उन्होंने युद्ध ही नहीं किए। और तब पहाड़ के लोगों को आयुधजीवी के तौर पर युद्ध कराने राजा लाते थे, क्योंकि सैनिक मन में भावना ये आ गई थी कि हम युद्ध करेंगे, किसी की हत्या होगी तो हम पाप के भागीदारी हो जाएंगे। और उससे पूरा भारत अचानक फिर ऐसा हुआ कि ये भारत फिर इस हालत में चले गया, क्योंकि वो असर रहा कि अब हमें युद्ध नहीं करना। हालांकि उसके बाद गुप्त काल आया, शुंग वंश आया, बहुत से लोग आए, लेकिन वो असर तो रहा ही लोगों का। और उसके बाद पूरा भारत या जहाँ भी उनका असर रहा, अफगानिस्तान लेके आगे जितने भी स्थान के देश हैं वहाँ पे, तो फिर इस्लाम के एक छोटी सी लहर में वो मारे गए, पूरा चले गए। तो ये अशोक का आना भारत के लिए बेहतर रहा या अच्छा या खराब रहा, ये बेहतर रहा या खराब रहा, ये देख सोचने की बात है, देखने की बात है। लेकिन एक और बात, जिन वो अहिंसा की बात करते रहे अशोक, ये सोचने की बात है कि बौद्ध भिक्षु तो खूब मांस खाते हैं, कम से कम वैष्णव धारा में, हिंदुओं की जो वैष्णव धारा है खासतौर पर ब्राह्मणों में या जैनिज्म में, जैनों की ने कभी नहीं इस मांस से नहीं खाते। लेकिन अशोक या बौद्धिज्म जो हिंसा की बात छोड़कर अहिंसा की बात करता है, वो लोग तो मांस खाते हैं। इसका मतलब पशु बल होती रही। भगवान बुद्ध के बारे में मैं अलग से बताऊंगा अहिंसा पे, लेकिन अभी फिर अशोक की कि क्या अशोक का विश्लेषण करने की जरूरत है कि उसी कालखंड का सबसे क्रूरतम राजा भी था अशोक। ठीक है, बाद में उन्होंने बहुत से काम किए, उन्होंने जो भी किया वो सामने हिस्ट्री का है, लेकिन उसी पक्ष को उभारा गया, दूसरे पक्ष को दबा दिया गया। आखिर क्यों? यदि आपको विश्लेषण करना है तो दोनों करना। वीडियो कैसे लगी कमेंट में आपसे लिखिएगा। आऊँगा जल्दी ही नहीं गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।